Hi everyone, after a very long time, so I met my son for the lockdown chapter. I hope you remember me. So in this video, I want to discuss about one topic regarding how do you और चार मैथड्स को कैसे हम अप्लाई ना करें, कैसे हम यूज ना करें चार मैथड्स को. तो उसमें आप मुझे अपने टाइटल में देख पा रहे हो, हाउ डू टू यूज चार मैथड्स. मैंने कुछ समय पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी थी, एक सीरीज बना रखी थी, जहाँ पे मैंने बताया था अलग अलग चार पैटर्न्स के बारे में. मैंने आपको बताया था लाइक सर्कल हेगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, राउंड बॉटम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न. इन सारे पैटर्न के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने एक्सप्लेन किया था कि इन पैटर्न को देख कर आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए और कितना हमारा टारगेट रहता है इन पैटर्न से हो. ठीक है, मतलब मुझे ऐसा हुआ, मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया तो ठीक है, मैं आपको चार पैटर्न के बारे में बता दे रहा हूँ. चार पैटर्न कैसे होते हैं, चार पैटर्न हो गए, हम अपना स्टॉप लॉस, अपना टारगेट, अपना एंट्री लेवल कैसे हम कितने जगह साइड कर सकते हैं. मतलब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये टूल्स हैं, यह एक टूल है चार पैटर्न, नो डाउट बहुत अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छे टूल्स हैं आइडेंटिफाई आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि हमें किस किन स्टॉक्स में हमें एंट्री होना है, कहाँ पे होना है और कहाँ पे हमें बाहर होना है. मतलब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर हम टूल्स को गलत जगह हम अप्लाई करेंगे, गलत जगह हम अप्लाई करेंगे तो हमें कितना आए थी, कैसे कितने हमें कितना आए थी. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर हैमर को, हथौड़े को, हथियार को, अपने नखून, अपने नेल्स काटने में अप्लाई करूँगा, अपने नेल्स काटने में अप्लाई करूँगा तो हमें कितने आएगी, नहीं आएगी डेफिनेटली कितने आएगी, क्योंकि हम हैमर्स हैं, हथौड़े से नेल्स नहीं काटते, हम नेल्स काटते हैं नेल कटर से, नेल कटर को यूज करके हम अपने नेल्स काटते हैं. तो एक दस नेम में में चार पैटर्न को वहां पे अप्लाई करना चाहिए, वहां पे अप्लाई करने से हमें बेनिफिट मिले, हमें नुकसान ना हो. ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ. इन शॉर्ट हमें इन शॉर्ट है ना, एकदम एक सेंटेंस में बताओ तो हमें चार पैटर्न को फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में हमें यूज करना है, हमें अप्लाई करना है. चार पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना है अच्छे कंपनी में, अच्छे स्टॉक्स में. तो पहला पॉइंट ये है, पहला मेन मेन पॉइंट ये है ना, बेसिक बेसिक पॉइंट है. तो हाँ, बेसिक पॉइंट ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अप्लाई करना है, हमें अप्लाई करना है, अप्लाई इन इन फंडामेंटली गूगल स्टॉक्स या कंपनी कह लो ना, अच्छे स्टॉक्स या कंपनी में हमें अप्लाई करना है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. ठीक है, गलत कंपनी में पूरे कंपनी में कंपनी में हमें अप्लाई नहीं करना, हमें अप्लाई नहीं करना यहाँ पे, हमें वो कंपनी में अप्लाई नहीं करना.
गूगल पे ना, अगर आपको देखो आपको स्टॉक्स है और स्टॉक कोई एक स्टॉक है उसका सजा मैंने पर बेकार है कंपनी में, वो कंपनी अच्छी नहीं है, कंपनी एकदम वाहियात है, बेकार है कंपनी, सजा मैंने पर बेकार है, और आपने आपको कोई पैटर्न मिला और आपने बाय कर लिया और गिरावट आ गई, तो आपको वो होता है ना कमीशन, होल्ड करके रखने का कमीशन आपको नहीं आएगा, आपको लगेगा आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मैंने गलत कंपनी में पैसा लगाया हम गिरावट आ गई, तो आपको एक कमीशन, आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। बट अगर आपने कुछ अच्छे कंपनी में लगा रखा है, बहुत अच्छी कंपनी में लगा रखा है, अच्छे कंपनी में लगा रखा है ना, और कुछ समय के लिए उसमें गिरावट नहीं आ गई, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं होगा, आपका जो कमीशन है वो कभी भी नहीं होगा, ठीक है, कभी गायब नहीं होगा, आपको लगे कोई नहीं गिरावट है, कोई बहुत गिरावट है, कोई दिक्कत नहीं है, सहनेंगे सहनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुबह और बाय कर लेंगे, तो अगर मैंने अच्छे कंपनी में ही हमें अप्लाई करना है चार पैटर्न, ठीक है, तो दो तीन बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ, दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, अगर मैंने अच्छे कंपनी में तो हमें बाय करना है, अगर मैंने अच्छे कंपनी में हमें बाय करना है, ठीक है, सॉरी अगर मैंने अच्छे कंपनी में हमें अप्लाई करना है, अच्छे स्टॉक्स में हमें अप्लाई करना है, बेकार स्टॉक्स में हमें अप्लाई नहीं करना, तो बस हमें कैसे मालूम होगा ये कंपनी बेकार है ये कंपनी अच्छी है, तो मैं दो तीन बातें मैं आपको दो तीन स्टेप्स बताऊंगा, मैं दो तीन चीज़ें बताऊंगा, दो तीन मेस में बताऊंगा वो देखते हुए, वो देखकर आपने डिसाइड करना है ये, हाँ ये इन कंपनी को अवॉइड करना है और ये वाली कंपनी को हमें कनेक्ट करना है, ये कंपनी से दूर रहना है, ठीक है, तो दो तीन मीन्स जो है मैं आपको मीन्स दूंगा, दो तीन पैरामीटर्स दूंगा मैं सबने, दो तीन पैरामीटर्स दूंगा मैंने, हाँ मैंने देखते हुए आपने डिसाइड करना है कि आपको इन कंपनी से दूर रहना है और इन कंपनी को अपने रडार में रखना है, ठीक है, तो ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि चार पैटर्न को अच्छे स्टॉक्स में हमें अप्लाई करना है, बेकार स्टॉक्स में अप्लाई नहीं करना, अच्छे स्टॉक्स में हमें अप्लाई करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक फायदा तो यही है, ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ हाउ टू हाउ टू आइडेंटिफाई फायदा मैगनी गुड कंपनी, हाउ टू आइडेंटिफाई, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हमें अच्छे कंपनी में ही अच्छे स्टॉक्स में ही अप्लाई करना है चार पैटर्न को, है ना, गलत कंपनी में अप्लाई नहीं करना, पुअर कंपनी में अप्लाई नहीं करना, ये हो गया, और दूसरा दूसरा क्या आएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई गुड स्टॉक्स या कंपनी, यह है आपका दूसरा स्टेप, हाउ टू आइडेंटिफाई, ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं मैं आपको बताता हूँ, पैरामीटर्स मैं आपको बता देता हूँ, तो पैरामीटर्स रहेगा आपका, पैरामीटर्स रहेंगे आपके सबसे पहले पैरामीटर्स, उस बात का पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई गुड गुड कंपनी गुड स्टॉक्स, तो पहला पैरामीटर ये रहेगा देखो प्रॉफिट, प्रॉफिट में चाहे वो आप डायरेक्ट प्रॉफिट बेच दो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेच दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट बेच देना, नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होना चाहिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होना चाहिए, है ना, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर वाई यू वाई, ईयर ऑन ईयर
हर साल ग्रो करना चाहिए। उसने 10 साल तक आकर बेच देना या 5 साल तक आकर बेच देना, ऐसा ना हो कि प्रॉफिट हर साल कम हो रहा है, हर साल उसमें डाउनफॉल है प्रॉफिट में, महसूस तो ये है ठीक है। या फिर आप सुनिए ना, मैं सुन सकता ये देख लेना। और दूसरा है रहेगा प्रीवियस न्यू, इस प्रॉफ का प्रीवियस न्यू, इस प्रॉफ का प्रीवियस न्यू है ना, बराबर हो, बराबर हो या तो बराबर हो या फिर, या फिर या तो बराबर हो या फिर कम हो, बराबर या फिर मामले। चौथा प्रीवियस हो या फिर बराबर हो या फिर कम हो, 10 मिलते प्रीवियस में है ना, या प्रीवियस में कहा गया है क्या लगता है भाई। नेक्स्ट साइंस में मैं बता दूंगा, नेक्स्ट साइंस में आप नेक्स्ट साइंस में आप देख सकते हो है ना। नेक्स्ट साइंस में एक नेक्स्ट साइंस में स्क्रीनर डॉट इन, स्क्रीनर डॉट इन ऐसा लिख देता हूँ, एक वेबसाइट है क्लीनर डॉट इन। इस वेबसाइट में हमें ये सारे रेशियोस, ये रेशियो है हमें मिल जाएंगे, प्रीवियस और भी अलग अलग रेशियो मिलेंगे ठीक है। तो स्टॉक का प्रीवियस न्यू कम हो या फिर बराबर हो, 1 घंटे प्रीवियस है या फिर, या फिर, या फिर हल्का सा लगाओ, हल्का सा लगाओ स्टॉक का, ऐसा नहीं हो ऐसा नहीं होने का हो, इस प्रॉफ का पी मिस लो, इस प्रॉफ का पी मिस लो या तो बराबर हो या फिर, या फिर कम हो, बराबर हो या फिर कम हो 1 घंटे पी मिस लो से, या फिर हल्का सा ज्यादा हो सकता है ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज सपोज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इन और मैं एग्जाम्पल देता हूँ है ना, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल मैं दूंगा। स्टॉक का पी वी रेशियो 25 है ना, और 10वीं का पी वी रेशियो कितना है, 45। तो ठीक है, तो ये ऐसा स्टॉक में आप पैटर्न अप्लाई कर सकते हो ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में पैटर्न अप्लाई किया जा सकता है, या फिर स्टॉक का प्रीवियस जो है मानो 35, और 1 घंटे का प्रीवियस जो भी है, मतलब एक ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 45 वाला एग्जाम्पल, तो स्टॉक का प्रीवियस जो है 45 और 1 घंटे का प्रीवियस जो भी 45 है ना, बराबर है, ये बराबर है और ये कम है। तो ऐसे स्टॉक्स में भी आप पैटर्न अप्लाई कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल है कि स्टॉक का प्रीवियस है 50 और 1 घंटे का प्रीवियस है 45। तो मैंने आपको क्या कहा था लास्ट में, हल्का सा लगाओ तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, हल्का स्लाइड नहीं लगा है ना, स्लाइड नहीं, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब क्या नहीं है, स्लाइड नहीं, स्लाइड नहीं ड्यूरेशन है ना, स्लाइटली स्लाइटली लगा होना चाहिए, या बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, आप समझ लो 60 का प्रीवियस या तो 60 है या फिर 75 है या फिर 100 है, बहुत ज्यादा है, और 10 का प्रीवियस 45 है। तो यहाँ पे ऐसा स्टॉक में अप्लाई नहीं करने का, ऐसा स्टॉक में अप्लाई नहीं करने का, अपना नहीं करना ऐसा स्टॉक में ठीक है। क्योंकि स्टॉक का पी वी एस, स्टॉक का पी वी एस है बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है 1 घंटे पी वी एस से है ना। और ये स्टॉक देखो पी वी एस क्या कहोगे, ये स्टॉक अगर वैल्यू गए, क्या है अगर वैल्यू गए, ये भी अगर वैल्यू गए, अगर वैल्यू यानी क्या सस्ता है, ये भी ये थोड़ा सा हल्का सा ओवर वैल्यू पे, हल्का सा स्लाइटली ओवर वैल्यू पे, स्लाइटली स्लाइटली ओवर वैल्यू, और यह बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू पे,
那我们来录个，奶奶做，奶奶从你们是不是把这奶奶从你是不来录来的？那个呢？哎，在上面摆着忙的时候，那是奶奶从你们摆上的那个呢？你给，我一摆那个一个不打开灯，一个不灯，一个摆那个不打开灯，一个我还啊我嗯啊我呢？没当我不你啊我这个不说没？我还没等，一个人，没等一个人，都阿鲁伊湖南一年怎么还怎么，怎么还怎么你忘？三八三，阿莫，阿那没你忘，这八三六八五的一年，阿鲁伊没等一个人，这八三三怎么没过你湖南一年？那马上上咱们的姑娘来迎接，哦，你看哦，别好，你看我姑娘啥子干的给那份，哎呀，别啥子给也买好呗，你看把啥子的，买回家给他们包，你看我姑娘那给呢，那是。那是。5 years up, Evelyn. Anna, you can pass on the on an Evelyn with McDonald's put again, man. Anna, please put the sign of the snacking in sign make a snake muscle grow, this is sign make a glut muscle grow, this is sign make miss muscle grow, this is sign make a glut muscle grow, or this is sign make a pallet muscle grow. Oh, on an Evelyn, how about that? Or how ऑनलाइन एडमिट गए ना पिछले 5 सालों का ऑनलाइन एडमिट आ रही गए ना ये सारे गाड़ा हमें मैंने आपको नक्साइट का नाम बताया था उस नक्साइट में अवेलेबल है काफ़ी आसानी से ठीक है ना। तो पिछले 5 सालों का लास्ट में 5 फाइनेंशियल ईयर लास्ट में 5 फाइनेंशियल ईयर का गए ना हमें मेटा होना चाहिए कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ मैं मिनिमम 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 10% अबोव अगर इससे कम हुआ है ना 10% अगर इससे 10% से नीचे हुआ रिटर्न आ रही तो बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं कहूँगा कि आप देखो कम से कम देखो आप 15% देखो 15% अबोव भी देखो आप ना 15% से अबोव में तो बोल लगे है ठीक है अच्छी बात है। और हमें कई बार तो ऐसे कंपनी मिल जाती है उस आ रिटर्न पूरी 20% अबोव है तो ऐसे कंपनी में बिल्कुल आप कर सकते हो। डेफिनेटली आप ऐसे कंपनी में डेफिनेटली आप स्टॉक पैटर्न सप्लाई कर सकते हो है ना। रिटर्न 20% ज़्यादा होना चाहिए है मगर 10% अबोव में चलेगा मतलब मिनिमम 10% होना चाहिए है। अगर आप चाहो अगर आप मन करता है कि मैं 10% कम लग रहा है तो ठीक है वो कर दो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं आप कह रहा है कि ठीक है मिनिमम 10% तो होने की है वो भी पिछले 5 सालों का ऑन एन एवरेज पिछले 5 सालों का ऑन एन एवरेज ठीक है। नो इन सारी बात को ध्यान देना है। और हाँ एक और बात, एक और बात लास्ट पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ। लास्ट पैरामीटर मैं आपको बताता हूँ है ना। लास्ट पैरामीटर ये है कि गैपलिंग टू इक्विटी रेशियो, गैप टू इक्विटी रेशियो आप देखना 0.50 से एक मामले 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 अच्छा समझ लेता हूँ। तो गैप टू इक्विटी रेशियो है वो होना चाहिए लेस देन 0.50, 0.50 से कमी हो गैप टू इक्विटी रेशियो है वो गैप टू इक्विटी रेशियो है 0.50 से कमी हो तो बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड है ना। अगर 0.50 से कम है गैप टू इक्विटी रेशियो तो काफ़ी अच्छा है ना। मतलब अगर नेक्स्ट गैंग
नोमी होगा, नोमी ठीक है, गुड गुड है, ठीक है ना। मतलब मोर देन 0.7 किलो नहीं होना चाहिए, तो ये फिर बैड है, गलत है। कंपनी पर काफी महंगा कर्ज है, कंपनी को पर काफी महंगा कर्ज है, कंपनी ने काफी लोन दे रखा है, तो ये थोड़ा सही नहीं रहता, ठीक है ना। 0.5 किलो से कम है तो अच्छी बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम 0.7 किलो में है तो ठीक है, गुड है, अच्छी है, अच्छा है ना। मतलब 0.7 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक को मैं कॉम्बिनेशन बताता हूँ। अगर मिट्रॉन और इक्विटी आर ओ ई, मिट्रॉन और इक्विटी, तो मैंने आपको इससे पहले बताया था आर ओ ई, आर ओ ई, आर ओ ई अगर 90% से अबोव है, मीन्स 20% से ज्यादा है, या फिर कोई कोई केस में तो 30% भी हो जाता है, 30% भी हो जाता है, तो उस केस में अगर 0.7 है, गैप टू इक्विटी, गैप टू इक्विटी बेच रहे हो, उस केस में 0.7 है, तो ये भी वेरी गुड होगा, ये भी वेरी गुड होगा, क्योंकि आर ओ ई काफी ज्यादा है, आर ओ ई बहुत ज्यादा है, आर ओ ई रिटर्न इक्विटी काफी अच्छा खासा है, 30% से ऊपर है, तो वो भी ये भी 0.7 में वेरी गुड आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चार पैरामीटर्स हैं, और एक और पैरामीटर मैं लास्ट पैरामीटर बता देता हूँ, लास्ट में एक और पैरामीटर बता देता हूँ, वो काफी मैं सही लगता है, वो है कैश फ्लो फ्रॉम फैमिली, फैमिली है ना, फैमिली, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होना चाहिए पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि कंपनी का जो मेन ऑपरेशन है, मेन बिजनेस है, उसमें एक्चुअल में कितना कैश आया, तो ये बताता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कंपनी का जो एक्चुअल मेन ऑपरेशन है, उसमें एक्चुअल में कितना कैश आया, ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और हो सके तो उसमें ग्रोथ भी होना चाहिए, इतने 5 से 10 सालों को जाकर देखना, उसमें ग्रोथ होना चाहिए, उसमें ग्रोथ होना मांगता है, उसमें ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरी बात YoY ग्रोथ भी होना चाहिए, तो ये एक्सलेंट होगा, ठीक है ना। तो ये सारी कॉम्बिनेशन है, ये मैंने कुछ 5 पैरामीटर्स बताया, बस इन बातों का आप ध्यान दे दोगे ना, इन 5 पैरामीटर्स का, इन 5 पैरामीटर्स का आप ध्यान दोगे, और तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट करके कंपनी में आप चार पैटर्न्स अप्लाई करोगे, तो आपके लिए फायदा है, तब आपको ध्यान देने लगेगा। अगर उस टाइम के लिए अगर वो पैटर्न फेल भी हुआ, तो आपको दर्द लगेगा उस स्टॉक को होल्ड करके रखने में, बट आपने गलत कंपनी में, गंदी कंपनी में, पूरे कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसा लगा रखा है, और आप पैटर्न को देखते हुए और पैटर्न फेल हो गया, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। तो बस इन बातों का आप ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर बिल्कुल करना, बिल्कुल करना, अगर पसंद करना चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और जितना लगा हो सकता है शेयर कर देना, और लाइक कर देना, और कमेंट, आप कमेंट में करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, क्या सुनने को मिला, सीखने को मिला नहीं मिला, कैसे लगे ये वीडियो, मुझे नहीं लगता ये वीडियो, ऐसी वीडियो, इस टॉपिक में वीडियो किसी ने भी बनाई होगी, मुझे नहीं लगता किसी ने भी बनाया होगा इस टॉपिक में अलग से वीडियो। हाँ, बातें करी होंगी, बातें करी होंगी, यहाँ वहाँ पता नहीं मुझे, वो भी नहीं लगता कि बातें भी करी होंगी इस रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग बातें भी करी होंगी, नहीं लगता, बट ठीक है,
अलग से मिल गयो नहीं बनाया होगा है ना, तो मैं अकेला हूँ जिसने मैं अपने टॉपिक को खेला, इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, तो अगर बता रहा हूँ कमेंट में आपको कैसा लगा है ना, कैसा लगा बाकी सुनाई करेगा, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच, आने वाले वीडियो पे थैंक यू सो मच।